की बात सिद्धत्व पद को उपलब्ध कर लिया उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना, परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना, परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की संपदा को उपलब्ध किया, उनके भीतर का करुणा भाव देशना के द्वारा अभिव्यक्त हुआ, जगत की समस्त आत्माएं किस प्रकार स्वयं की चेतना को उपलब्ध हो जाए यही परमात्मा का करुणा भाव था। इसी करुणा को हमें स्वयं के आचरण में, स्वयं के चिंतन में, अपनी विचारधारा में और उपक्रमों में उतारना है, ताकि हम स्वयं अपने आचरणों के द्वारा, अपने उपक्रमों के द्वारा क्रमशः भीतर की यात्रा का प्रारंभ हो सके और स्वयं की निजता को उपलब्ध करने के पश्चात उसी अजर अमर और अक्षय स्थिति को उपलब्ध हम कर सकें। व्यक्ति जो भी जीवन जीता है, समय निकालता है, समय में जो भी क्रियाएं करता है, उनका कोई न कोई विशुद्ध हेतु होता है, लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य व्यक्ति अपना जीवन नहीं जीता। लक्ष्य को केंद्र बिंदु में स्थापित करके व्यक्ति अपनी क्रियाएं करता है, उपक्रम करता है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिंतन करता है और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। हमारे भीतर में यदि स्वयं की आत्मा का लक्ष्य स्थापित हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे विचार, हमारी क्रियाएं, हमारे उपक्रम, जीवन की हर गतिविधि उसी दिशा की ओर उद्यत बन जाए, उसी दिशा में हमारा पुरुषार्थ हमारे मन के द्वारा, वचन के द्वारा और काया के द्वारा उपस्थित हो जाए। स्वयं के भीतर का लक्ष्य हम किस प्रकार बनाएं, भीतर की आकांक्षा, भीतर की प्रतीक्षा, भीतर को प्राप्त करने की ललक और उत्कंठा का भाव हमारे भीतर में किस प्रकार जगे, यही प्रवचन का विशुद्ध हेतु है, परमात्मा की देशना का विशुद्ध हेतु है। हमारे भीतर में यदि ललक की जागृति हो जाएगी, उत्कंठा का आविर्भाव हो जाएगा, तो उसके बाद स्वयं हमारे कदम अपने आप अपने भीतर की ओर, अपने आप हमारे कदम उसी दिशा की ओर बढ़ने लग जाएंगे। इस प्रकार की ललक हमारे भीतर में उपस्थित होनी चाहिए। हमारी आकांक्षाओं का आधार, हमारी उत्कंठा का आधार, हमारी महत्वाकांक्षाओं और ललक का आधार अभी तक संसार बना हुआ है। संसार के समस्त साधनों के प्रति जो हमारी उत्कंठा है, तितिक्षा है, वही तितिक्षा यदि स्वयं के भीतर के प्रति बन जाए तो निश्चित रूप से दिशा में परिवर्तन हो जाए। राबिया बहुत बड़ी संतत्व को उपलब्ध एक स्त्री हुई, पाश्चात्य दर्शन में बड़ा उसका नाम मिलता है, योग की भूमिकाओं में उसका दर्शन बड़ा विशुद्ध दर्शन था, स्पष्ट दर्शन था। एक कोई पहुंचा हुआ संत उस राबिया के पास में पहुंचा और वहां जाने के बाद उस संत ने अपनी चमत्कार भरी अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करना चाहा। वह संत भी कोई सामान्य संत नहीं था, पहुंचा हुआ विशुद्ध ज्ञानी संत था और उसने भी अपनी साधना के बल पर बड़े बड़े चमत्कार अपने भीतर में उपस्थित किए थे, उनका अनुभव किया था और वह संत
उस राबिया के पास में पहुंचा। नदी के किनारे उनका झोंपड़ा था और वहीं पर वह पहुंच गया। जाने के बाद उस संत ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहा। व्यक्ति के पास में जो होता है, जैसा होता है, व्यक्ति तुरंत प्रदर्शन करने की इच्छा अपने भीतर में रखता है। मेरे पास में जो है लोग उसे देखें, मेरे पास में जो है उसे देख करके लोग मेरी प्रशंसा करें, यह विशुद्ध हेतु व्यक्ति का रहता है। यह तभी तक रहता है जब व्यक्ति के पास का जो दृष्टिकोण है वह सांसारिक होता है। दृष्टिकोण जब तक संसार का, संसार से भरा हुआ, संसार से सना हुआ जब तक रहता है, तब तक व्यक्ति के भीतर में प्रदर्शन की भावना ही रहती है। और फिर भले प्रदर्शन की भावनाओं का जो आधार है वह आधार संसार के तत्व हो चाहे और कोई चीज हो, प्रदर्शन की भावना जो ही भीतर में उपस्थित हुई त्यों ही व्यक्ति का मन संसार से ग्रस्त बन जाता है। कभी आपने चिंतन किया होगा, व्यक्ति के पास में यदि वैभव हो तो वह व्यक्ति वैभव का प्रदर्शन करना चाहता है। व्यक्ति के पास में यदि सत्ता हो तो सत्ता का प्रदर्शन करना चाहता है। उसके पास में यदि रूप यौवन हो तो व्यक्ति उसका भी प्रदर्शन करना चाहता है। ये सारी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन कभी कभी बड़ी विचित्र स्थिति उस समय में हो जाती है जब हम धर्म की बातों को भी प्रदर्शन का आधार बना देते हैं। यदि धर्म की बातों को भी, धर्म के रहस्यों को भी, धर्म के चिंतन भरे तत्वों को भी यदि हम प्रदर्शन का आधार और अभिमान का आधार बना दें तो निश्चित रूप से वहीं से पुनः हमारे भीतर में संसार की उपस्थिति हो जाती है और सिद्ध हो जाता है कि अभी तक उस व्यक्ति का प्रवेश अपने भीतर में नहीं हुआ, अभी तक उस व्यक्ति का प्रवेश स्वयं की निजता में नहीं हुआ। कभी आपने देखा परमात्मा के पास में जो शक्ति उपलब्ध थी, ऐसी शक्ति किसी के पास में नहीं। जो क्षमता तीर्थंकर परमात्मा के पास में थी, करोड़ों देवता जिनकी हाजिरी में रहा करते थे, अभी तो कोई सामान्य व्यक्ति भी हमारी उपस्थिति में आ जाए, हमारे संपर्क में आ जाए, जो थोड़ा सा वैभव वाला हो, जो थोड़ा सा सत्ता वाला हो, सत्ताधीश कोई व्यक्ति हमारे परिचय में आ जाए तो हम तुरंत ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं कि अमुक मंत्री महोदय ने हमारे पास में आकर के हमारे दर्शन किए, हमारा आशीर्वाद लिया, हमारा वास्तक्षेप लिया, हमारे साथ में उन्होंने फोटो वगैरह खिंचवाया। एक सामान्य व्यक्ति का संपर्क हो जाए तो हम भी उस संपर्क को अभिमान का आधार बना देते हैं, प्रदर्शन की भूमिका वहां पर हमारे भीतर में उपस्थित हो जाती है। जरा चिंतन करें, परमात्मा के चरणों में सामान्य व्यक्तियों से लेकर के बड़े बड़े सम्राट उपस्थित होते थे, देवी देवताओं के वहां पर समूह उपस्थित होते थे, लेकिन परमात्मा ने कभी भी एक बार भी अपनी देशना में, अपने प्रवचन में कभी भी एक बार भी इस प्रकार की बात नहीं कही कि मेरी सेवा में देखो कितने करोड़ देवी देवता आते हैं, कि मेरी सेवा में देखो कितने लाखों व्यक्ति आते हैं। ध्यान रहे, हम परमात्मा के अनुयायी हैं, तो इस कारण से नहीं कि परमात्मा के पास हजारों सम्राट और हजारों लाखों करोड़ों देवी देवताएं आते थे। परमात्मा की पूजा, परमात्मा की सेवा, परमात्मा की अर्चना हम इस हेतु से नहीं करते। परमात्मा के पास इस बाह्य विभूति, इस संपदाओं को देख करके हमारे भीतर में परमात्मा के प्रति किसी प्रकार की अनुरक्ति के भाव उजागर नहीं बने। परमात्मा के प्रति हमारे भीतर में अनुरक्ति के भाव जागृत बने तो इसका मूल कारण एक ही है कि परमात्मा के भीतर की संपदा, ज्ञान संपदा, दर्शन संपदा और चारित्र संपदा वो इतनी अद्भुत थी और उसी कारण हम प्रभावित बने, उसी कारण हम परमात्मा की पूजा करते हैं। यदि धर्म की बातों को भी प्रदर्शन का आधार बना दिया जाए तो निश्चित रूप से वहीं से संसार की उपस्थिति हो जाती है। उस संत ने ऐसा ही किया। उस संत ने विचार किया कि मैं आज इससे मिलने के लिए आया हूँ, जरा मैं इस ढंग से इसे प्रभावित करूँ कि ये भी मेरी प्रशंसा करने लग जाए और ये भी लोगों के सामने, अपने भक्तों के सामने मेरी चमत्कारपूर्ण स्थिति का एकदम से लोगों के सामने नजारा खड़ा कर दें, सारे लोगों में मेरी प्रशंसा की खुशबू फैल जाए, चारों ओर मेरी कीर्ति के फूल बिखर जाए। उसके मन में अपने प्रदर्शन की भावना थी, अभिमान की भावना थी,
और लोगों के हृदय में छा जाने की तमन्ना थी, और इसी कारण से वह राबिया के पास में पहुंचा और जाने के बाद में बोला कि आओ अपन कुछ बात करें, कुछ ज्ञान चर्चा करें, कुछ तत्व चर्चा करें। राबिया ने भी सुन रखा था उस संत का नाम कि वो बड़ा साधक है। उस संत से कहा कि अच्छा, चर्चा करने को तत्पर है, आप आसन बिछाएं और बैठें, विराजें। उस संत ने कहा कि नहीं, आज हम अनोखे स्थान पर बैठकर के चर्चा करेंगे। आओ मैं अपना आसन इस नदी के मध्य भाग में बिछाता हूँ। नदी में पानी के ऊपर जहाँ पर 25-30 फुट भीतर गहरा पानी एकदम से तेजी से बह रहा हो, उस नदी की बीच धार में मैं अपना आसन बिछाता हूँ। आओ वहीं आकर के बात करेंगे। ज्यों ही राबिया ने यह बात सुनी कि यह संत पानी के ऊपर आसन बिछा करके अपनी साधना का प्रदर्शन करना चाहता है, और वह ऐसा सोचता है कि मैं इससे प्रभावित हो जाऊंगी, ऐसा सोचता है कि इस चमत्कार भरे नजारे को देख करके मैं अपने मन में इसके प्रति आदर का भाव रखूंगी। लेकिन उस राबिया के मन में विचार आया कि अहो, यह संत लगता है कि संत ने साधना तो की, लेकिन साधना के व्यवस्थित जो परिणाम इसे उपलब्ध होने चाहिए उन परिणामों से ये वंचित रह गया, और इसलिए उसे समझाने की दृष्टि से उसने कहा कि अरे, जब बात की करनी है तो क्या पानी का आधार बनाना, पानी को क्यों व्यर्थ में आधार बनाना। अरे आसन बिछाओगे तुम, पानी के ऊपर बिछाओगे और उस पर बैठोगे, पानी तो आधार रहेगा, चलो वहां क्या चर्चा करने, आओ आकाश के अंदर बैठ करके चर्चा करते हैं। और यूं कहकर के उसने अपना आसन आकाश के अंदर बिछा दिया और उस संत को आमंत्रण दिया कि चलो आओ ऊपर उड़ो, आकाश में आकर के बैठो और यहीं बैठ करके वार्तालाप करते हैं, यहीं बैठ करके तत्व चर्चाएं करते हैं। वो संत को ये देख करके ही घबरा गया। संत के भीतर में विचारधारा उत्पन्न हो गई कि अरे, मैं तो कम से कम पानी के ऊपर बैठता था, पानी को आधार बना करके बैठता था, ये तो बिना आधार बिना आलम्बन हवा को ही आधार बना करके, आकाश को ही आधार बना करके आकाश में ही यह आसन बिछाता है, आसन बिछा रही है और मुझे आमंत्रण दे रही है। मन के अंदर बड़ी विचारधारा चली, उसने नमस्कार किए, लेकिन राबिया ने कहा कि न तो तुम्हारा पानी के ऊपर बैठ करके यूं ही बैठ जाना, बिना डूबे बैठ जाना इतना महत्वपूर्ण है, और न मेरी यह क्रिया महत्वपूर्ण है कि मैं आकाश के अंदर आसन बिछाऊं, मैं आकाश के अंदर बैठ जाऊं, ये भी जो भी ये चमत्कार है ये भी महत्वपूर्ण नहीं। महत्ता न पानी के ऊपर बैठने में है, न चलने में है, और न आकाश में बैठने की चर्चा है। व्यर्थ में ये सारी बातें तो हमारे भीतर को खत्म करके रख देगी। महत्ता इन दोनों चीजों की नहीं, महत्ता तो इस बात की है कि हमारे भीतर में जो प्रदर्शन के भाव हैं वो समाप्त हो जाएं। हमारे भीतर में ये जो संसार बसा हुआ है प्रदर्शन का, ये सारी चीजों का, ये समाप्त हो जाए और स्वयं की आत्मा के विषय में हमारा चिंतन प्रारंभ हो जाए, वही लक्ष्य बन जाए, तो उसी की महत्ता है, उसी में महत्ता है। कभी हमने चिंतन किया कि हम स्वयं के जीवन में किन चीजों को महत्व देते हैं, बाह्य चीजों को महत्व देते हैं, बाह्य चमत्कारों को महत्व देते हैं, या फिर भीतर की संपदा को महत्व देते हैं। यदि हमारा लक्ष्य बाहर से मिट करके हट करके स्वयं के भीतर का बन जाए, अपने भीतर की संपदा को उपलब्ध करने के लिए हमारे कदम उस दिशा की ओर उद्यत बन जाए, बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से स्वयं की संपदा को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा भले हम पानी के ऊपर बैठे रहे, भले हम लाखों करोड़ों के बंगले खड़े करते रहे, इससे भीतर की संपदा को हम जरा भी उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, और हमारा सारा का सारा जीवन वो यूं ही व्यर्थ बन जाएगा, यूं ही समाप्त हो जाएगा। मिस्टर जगाशंकर अमेरिका में पढ़ करके भारत में आया, खूब उसने अध्ययन किया, पढ़ाई वगैरह की। भारत में आने के बाद एक बार वो नदी की यात्रा कर रहा था, बड़ी विशाल नदी थी, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर वह चला जा रहा था, बड़ा जा रहा था, नाव में बैठा हुआ था। वह नाव के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो नाव को खेने वाला था, बस उसी के साथ में वो वार्तालाप कर रहा था, चिंतन कर रहा था कि मैं इतनी देर, आधा पौन घंटा यहाँ पर लग जाएगा मुझे यात्रा करने में, दूसरे किनारे तक पहुंचने में मुझे इतना समय लगेगा, तो जरा मैं इसी से ही गप्पे हाँक लूं, जरा इसी से ही बातें वगैरह कर लूं, ताकि समय पास आराम से हो जाए।
व्यक्ति जब खाली होता है, कभी आपने चिंतन किया, व्यक्ति खाली रहता है, बाह्य क्रियाओं से मुक्त रहता है, उस समय में भी व्यक्ति का मन बाहर ही दौड़ता है, अपने भीतर की ओर जना भी नहीं जाता। बात समझ में आती है? एक व्यक्ति दुकान में बैठा है, ग्राहकों के साथ में बात कर रहा है, बात समझ में आती है कि उसे उस समय में अपना चिंतन करने के लिए समय नहीं, क्योंकि ग्राहक बैठे हैं, उसे सौदा देना है, निपटाना है, पैसे की लेन देन करनी है। व्यक्ति नींद ले रहा है, बात समझ में आती है कि वो उस समय में चूंकि शरीर को विश्राम दे रहा है, तो अपने भीतर की यात्रा में कैसे डूबे, कैसे जाए, बात समझ में आ सकती है। एक व्यक्ति किसी के साथ कोई व्यापार संबंधी, घर गृहस्थी संबंधी, संसार संबंधी, अपने परिवार संबंधी बातें कर रहा है, बात समझ में आती है कि उस समय में वो स्वयं की आत्मा की बातें कैसे करे, अपने भीतर की किस प्रकार से रहस्यों को टटोले, ये बातें तो समझ में आती है। लेकिन व्यक्ति जब खाली भी बैठा रहता है, जिस समय में कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं, जिस वक्त में उसके पास कोई काम नहीं, बाहर की दृष्टि से भी कोई काम नहीं, वो समय में भी व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा नहीं करता, उस समय में भी व्यक्ति अपना आत्मचिंतन नहीं करता। यदि बचा हुआ समय हमारे पास में से जो बचा हुआ समय है, बहुत सा समय हमारे पास से बचता है, वो बचा हुआ समय भी यदि हम स्वयं के भीतर में जाने के लिए उपयोग में लाएं, यदि उस समय में भी बचे हुए थोड़े से समय में भी यदि हमारा चिंतन स्वयं के प्रति बने, निजता के प्रति बने, स्वयं की चेतना के प्रति बने, तो भी हमारा उद्धार हो जाए। थोड़ा सा चिंतन भी हमारी क्रियाओं को बदल करके रख दे, थोड़ा सा चिंतन भी हमारे भीतर के हिलते हुए डुलते हुए दूध को दही के रूप में जमा करके रख दे, थोड़ा सा जामन मिल जाए तो सारा दूध दही बन जाए। इसी प्रकार थोड़ा सा आत्मचिंतन भी हमारे दैनिक क्रियाओं को बदल करके रखता है, जीवन की प्रक्रियाओं में परिवर्तन ला देता है। लेकिन थोड़ा सा समय भी जो हमें मिलता है, बचता है, बाह्य क्रियाओं से रहित होकर के थोड़ा सा समय भी बचता है, तो हमारा मन उस समय में भी संसार की यात्राएं करता है, हमारा मन उस समय में भी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाता है, हमारा मन उस समय में भी समय किस प्रकार से पास हो इस चिंता में रहता है, और इस चिंता में व्यक्ति उद्विग्न बन जाता है, परेशान हो जाता है। कभी आपने चिंतन किया, जब आपके पास में कोई काम हो तो आपका मन लगा रहेगा और आपके मन में रहेगा कि अरे मुझे काम तो बहुत करने मगर समय नहीं, क्या करूं, ये समय बहुत बड़ा है, ये काम मुझे करना है। जिस समय में आपके पास में जो काम हो, जो क्रिया आप कर रहे हो, मन उसमें लगा हुआ हो, तो उस समय में आपके मन में यह आता है कि समय बहुत थोड़ा है, मेरे पास में समय ज्यादा है नहीं, मैं बड़ा बिजी हूँ, बहुत से काम करने हैं। लेकिन जिस समय में आपके पास में कोई काम न हो, तो उस समय में वो समय आपको काट खाने को दौड़ता है और आप विचार करते हैं कि अरे आधा घंटा मैं फ्री बैठा हूँ, क्या करूँ क्या न करूँ, अरे कोई व्यक्ति आ जाता तो गप्पे हाँक लेते, कोई व्यक्ति आ जाता तो थोड़ी बातें कर लेते। उस समय में भी आपका मन बाहर की ओर भटकता है, संसार की ओर भटकता है। अगर वो थोड़ा सा समय भी हमारे आत्मचिंतन में लग जाए, वो थोड़ा सा समय भी हमारे भीतर की गहराइयों में पहुंचने के लिए हम यदि लगा दें, तो निश्चित रूप से वह समय हमारा अपना बन जाएगा, उस थोड़े से समय की हम मालिक बन जाएंगे, और वो थोड़ा सा समय हमारे पूरे समय की गतिविधियों को बदल करके रख देगा, परिवर्तित करके रख देगा। मगर उस समय में भी व्यक्ति यह चिंतन करता है कि यह आधा घंटा मिला, अब समय का मैं किस प्रकार से पास करूं, और कुछ नहीं मिलता तो अखबार लेकर के व्यक्ति बैठता है, अखबार की सारी न्यूज़ें पढ़ी पढ़ाई होती है, मगर फिर भी और कुछ नहीं तो सारे विज्ञापन देख डालेगा, तो जरूरत है हमारे सारे कॉलम पर डालेगा, व्यर्थ में कॉलम पड़ेगा, कोई उसका लेना देना नहीं, मगर क्या करें, समय को कैसे पूरा करें, और कुछ नहीं तो फिर भी पत्रिकाओं के पन्ने चटोलेगा, इधर उधर के बोर्ड्स वगैरह देखेगा, पढ़ेगा और विचार करेगा कि समय पास कैसे करूं। कभी आपने चिंतन किया समय को किस दृष्टि से और किस प्रकार के दृष्टिकोण से हम मापते हैं, हम चिंतन करते हैं कि मैं समय को पास कर रहा हूं, कभी आपने चिंतन किया कि आप समय को पास कर रहे हैं या समय आपको पास कर रहा है, मालिक कौन बना हुआ है, जरा चिंतन करें, हम स्वयं समय के मालिक कब से बन गए, जैसे हम समय को पास कर रहे हैं। आपके पास में 20 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, तो बात समझ में आती है कि उन रुपयों के मालिक आप हैं, आप चाहे खर्च करें चाहे फेंकें, मालिक आप हैं। लेकिन समय के मालिक आप कब से बन गए कि आप ऐसा चिंतन करते हैं कि मैं समय को पास कर रहा हूं, समय को आप खो रहे हैं या
या आपको समय खो रहा है, बात समझ में नहीं आती। अगर भीतर का चिंतन बन जाए, समय निश्चित रूप से हमारे साथ में से गुजरता जा रहा, हम समय को नहीं बिता रहे बल्कि समय हमारे ऊपर चोट कर रहा, समय हमें धोखा दे करके आगे से आगे बढ़ा जा रहा, और हम फिर भी अपने भीतर में आनंदित हैं, प्रसन्न चित्त हैं और विचार करते हैं कि चलो ये समय भी मैंने खो दिया, ये समय भी मैंने बिता दिया, अच्छे टाइम से पास हुआ। और कुछ इस प्रकार से समय पास नहीं होता तो व्यक्ति फिर भी सॉन्ग सुनने के लिए बैठ जाता है। ये सारे के सारे निकम्मे के काम है, निकम्मे व्यक्तियों के सारे काम है। कभी आपने चिंतन किया, दुकान पे आप बैठे होंगे, ग्राहक आ रहा होगा, उस समय में आपका मन फिल्मी संगीत सुनने में नहीं जाएगा, उस समय में आपका मन फिल्मों में नहीं जाएगा, क्योंकि आपके सामने लक्ष्य स्पष्ट है, सामने व्यक्ति खड़ा है, ग्राहक खड़ा है, और मुझे इससे धन कमाना है, क्योंकि आपने उसे महत्व दिया और इस कारण से आपका मन इस प्रकार के फालतू कामों में जरा भी नहीं जाता। ग्राहक आपके सामने हो, आपकी नजर अखबार तक नहीं जाती, ग्राहक आपके सामने हो, आपकी नजर टेप रिकॉर्डर या टीवी तक नहीं जाती, ग्राहक सामने हो तो आप जरा भी अन्य चीजों को महत्व नहीं देते, क्योंकि उसका मूल्य आपके सामने है। स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका के अंदर पहुंचे, अमेरिका में जाने के बाद में अमेरिका के व्यक्तियों ने विचार किया कि ये भारत से बहुत बड़ा ऋषि आया है, महर्षि आया है, और हमें अमेरिका को इस ढंग से दिखाना है ताकि ये जाते समय अमेरिका की बड़ी प्रशंसा करें। और इसी कारण विवेकानंद को वह जो युवकों की टोली थी या लोगों की टोली थी अमेरिका वालों की, उन्होंने विवेकानंद को बहुत सारी चीजें दिखाई, जुहू दिखाए, सिनेमा घर दिखाए, और भी जो भी मनोरंजन के साधन थे, खेल कूद के साधन थे, वो सारे के सारे महल दिखाए। इतने इतने महल देखे विवेकानंद तो हैरान होकर के रह गए। अमेरिका वालों ने, दिखाने वालों ने विचार किया कि ओ इतने सारे यहाँ पर सुविधाएं हैं, इतने महल हैं, इतने मनोरंजन के साधन हैं, भारत में इन्हें कहाँ देखने को मिलेंगे, वहां से तो हजार गुना यहाँ पर साधन है, अब ये यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से इन्हें प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। विवेकानंद जब जाने लगे तो पूछा, कहा कि आप अमेरिका के लिए कुछ बातें कहें, कुछ कहें, लेकिन विवेकानंद ने डाल दिया। युवकों ने कहा कि आपने इतने मनोरंजन के साधन देखे हैं, अरे कुछ तो उनके बारे में कहो। विवेकानंद ने कहा कि मनोरंजन के इतने जितने भी साधन हैं, वो ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ के लोग कितने बीमार हैं और कितने विक्षिप्त हैं। ध्यान रहे, जो व्यक्ति विक्षिप्त होगा उसे ही तो मनोरंजन के साधन की आवश्यकता पड़ेगी। जो व्यक्ति घर में ही परम प्रसन्न रहता है, जो व्यक्ति अपने वातावरण में ही रहता है, उसे मनोरंजन के साधन की क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी। फिल्में वही देखता है जिस व्यक्ति का मन किसी तरह की परेशानियों में उलझा हुआ हो, और जो चाहता हो कि थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को भूल जाऊं, थोड़ी देर के लिए मैं अपने इस प्रकार के विक्षिप्त वातावरण से थोड़ा सा दूर हो जाऊं, जो ये मन में सोचता है कि मैं घर के इस प्रकार के परेशानी भरे वातावरण से थोड़ा दूर हो जाऊं, वही व्यक्ति फिल्मों में जाकर के बैठता है, वही व्यक्ति इस तरह के काम करता है। विवेकानंद ने कहा कि ये मनोरंजन के साधन तुम्हारी समृद्धि के प्रतीक नहीं, लेकिन तुम्हारी बीमारी के प्रतीक है, विक्षिप्तता के प्रतीक है। हम समय को किस तरह से गुजार रहे हैं, कभी हमने चिंतन किया? थोड़ा सा खाली समय मिल जाए, हम परेशान हो जाते हैं, इधर उधर पत्रिकाओं को टटोलने लगते हैं, हम परेशान होकर के थोड़ा सा इधर उधर, चलो टाइम है, कुछ नहीं है तो इधर ही घूम लिया, एक लटार मार ली, एक दो व्यक्तियों से गप्पे हाँकने के लिए बैठ गए, और हम समय की कीमत नहीं जानते। ये थोड़ा सा बचा हुआ जो समय है, व्यापार से व्यक्ति मुक्त रह नहीं सकता, गृहस्थ के कर्तव्यों से व्यक्ति दूर हो नहीं सकता, अपने गृहस्थ जीवन में उसे जो करना है सांसारिक दृष्टि से, उनसे तो व्यक्ति दूर हो नहीं सकता, लेकिन उसमें भी जो बचा हुआ समय है, कम से कम उस समय का भी स्वयं के आत्मचिंतन के लिए उपयोग कर ले तो निश्चित रूप से वह भीतर की यात्रा का प्रारंभ हो जाए। बचे हुए समय का उपयोग भी यदि आत्मचिंतन के लिए हो जाए तो सारे जीवन की प्रक्रियाओं को परिवर्तित करके रख दे। मिस्टर जटाशंकर तो बैठा हुआ था नाव में और विचार कर रहा था कि जरा अब मैं आधा घंटा कैसे पास करूं, बस यही व्यक्ति की मनोभूमिका है, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है। व्यक्ति थोड़ा सा खाली रहता है, जब तक भरा रहता है काम से, तब तक विचार करता है कि मैं बहुत बिजी हूं, बहुत काम है मेरे पास में, और जो ही थोड़ा सा खाली होता है व्यक्ति विक्षिप्त बन जाता है, व्यक्ति विचार करता है कि क्या करूं क्या न करूं, खाली बैठा हूं। और उस समय में भी यदि स्वयं के प्रति थोड़ा सा जागृति का भाव उजागर बन जाए, लेकिन व्यक्ति की आदत होती है इधर उधर की बातें करेंगे, गप्पे हाँकेंगे, व्यर्थ की चर्चाएं करेंगे, जिनसे कुछ भी व्यक्ति को लाभ होने वाला नहीं, किसी तरह का बाहरी लाभ भी मिलने वाला नहीं,
व्यक्ति उन्हीं कामों में अपने समय को गमा देता है, उन्हीं कामों में व्यक्ति अपने समय को नष्ट कर देता है। व्यक्ति को मंदिर जाने के लिए कहा जाए तो कहता है कि मेरे पास में समय नहीं। व्यक्ति को कहा जाए प्रवचन सुनने के लिए तो कहता है कि भाई मेरे पास में कहाँ समय है, सुबह से जाना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। लेकिन वही व्यक्ति सिनेमा हॉल के बाहर खड़े रह करके 3 घंटा उसी में गंवा देता है। वही व्यक्ति जो थोड़े से स्वयं के आत्मचिंतन की क्रियाओं को कहा जाए उसे करने के लिए तो जवाब होता है कि मेरे पास में समय नहीं है। और वही व्यक्ति सिनेमा हॉल में जाकर के 3 घंटा पास कर आता है। वही व्यक्ति खेल के मैदान में जाकर के, वही व्यक्ति बाहर बैठ करके क्रिकेट की कमेंट्री सुनने में अपना सारा दिन बिता देता है। और वही व्यक्ति यह जवाब देता है कि मेरे पास में समय नहीं। व्यक्ति अपने शरीर के लिए बाहरी सारी कामों के लिए समय पूरा का पूरा देता है, लेकिन स्वयं के लिए, स्वयं की आत्मा के लिए उसके पास में कोई समय नहीं। यदि व्यक्ति बचे हुए समय का भी स्वयं की चिंतना के लिए उपयोग कर ले तो निश्चित रूप से वह भीतर की संपदा को प्राप्त करने की ओर उसके कदम आगे बढ़ जाए। जटाशंकर ने विचार किया कि अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आधा पौन घंटा मेरे पास में है, मैं क्या करूँ, कैसे समय पास करूँ। कोई किताब वगैरह भी लेकर के नहीं आया कि चलो उपन्यास मेरे पास में नहीं है कि उपन्यास को पढ़ करके मैं अपना समय पास कर देता। व्यक्ति को कुछ मिलने वाला नहीं, उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, लेकिन व्यक्ति इधर उधर की बातों में, इधर उधर के उपन्यासों को पढ़ने में अपना सारा समय बिता देता है। उसने विचार किया कि चलो अभी ये यहाँ पर नाविक ही है एक व्यक्ति, चलो उसी के साथ में थोड़ी बातें कर ली जाए, थोड़ी गप्पे वगैरह हाँक ली जाए। और मैं तो बड़ा आदमी हूँ, अमेरिका से पढ़ करके आया हूँ, LLB और पता नहीं क्या MS जो भी मैंने डिग्रियां ली है, लंबी चौड़ी डिग्रियां मैंने लगा रखी है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अब इसके साथ में क्या बात करूंगा। मगर बात तो इसी के साथ करनी पड़ेगी, और कोई व्यक्ति नहीं है। और ये ग्रामीण आदमी है, अनपढ़ा गंवार आदमी है, उसे अपने पास में बुलाया और पास में बिठाने के बाद वो नाव भी खेता रहा और उसने कहा कि थोड़ी बातचीत वगैरह की जाए। उस नाविक ने कहा कि भाई साहब अब बातचीत मैं क्या करूं, मैं तो कोई गंवार आदमी हूँ। उस व्यक्ति ने, जटाशंकर ने अपना बड़प्पन जताने के लिए, व्यक्ति जहाँ पर भी देखता है कि सामने वाला व्यक्ति छोटा है, वह चाहे ज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे पद की दृष्टि से हो, चाहे सत्ता की दृष्टि से हो और चाहे वैभव की दृष्टि से हो, व्यक्ति छोटों को तुरंत दबाना चाहता है। व्यक्ति विचार करता है कि अरे इसके सामने तो मैं बहुत बड़ा हूँ। उस वक्त में व्यक्ति की भाषा अहंकार जन्य बन जाती है। व्यक्ति का हालचाल, व्यक्ति के देखने का ढंग, व्यक्ति के बोलने का ढंग अभिमान से भरा हुआ बन जाता है कि अरे मैं इतना जानता हूँ, मेरे पास में इतना वैभव है, मैं पहुंचा हुआ सत्तावान व्यक्ति हूँ, ये मेरे सामने क्या चीज। जटाशंकर ने इसी दृष्टि से बात का प्रारंभ किया। उसने कहा कि अरे भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, जरा मुझे बताओ कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या किया। जटाशंकर ने अपनी महत्ता बताने के लिए कहा, मैं तुम्हें बताऊं, मैं अमेरिका में गया और वहां जाने के बाद में मैंने वह सारे के सारे कला विज्ञान के सारे मैंने किताबें पढ़ी, मैंने ये सारी बातें पढ़ी कि चित्र कैसे बनाया जाए, मैंने ये सारी बातें पढ़ी कि कला का निर्माण किस प्रकार से होता है, तुमने कला वगैरह के बारे में कोई ज्ञान हासिल किया। उस व्यक्ति ने, नाविक ने कहा कि बाबूजी क्यों आप व्यर्थ में मेरी मजाक करते हैं, मैं कला वला के बारे में क्या जानूं, मैं तो बस इसी में जन्मा हूं, इसी में मैं मर जाऊंगा, बस यही मैं नाव को खेने का धंधा करता हूं, मैंने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, मैं तो गंवार आती हूं। जटाशंकर ने अभिमान से भर करके कहा कि अरे तुमने कला वगैरह को भी नहीं जाना, अरे तुम्हें क्या पता कि बाहर किस किस प्रकार की कलाओं का निर्माण हो रहा, किस प्रकार की हमारी संस्कृति है, तुमने वो भी नहीं जाना तो लगता है कि तुम्हारे 25% जिंदगी तो बिल्कुल पानी के अंदर ही चली गई। नाविक को बड़ा गुस्सा भी आया, बड़ा फील मिलाया कि अरे मैं नाविक हूँ, मेरा काम नाव को खेना है, तुम्हें क्या मतलब कि मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ा और तुम मुझे मेरे जीवन को पानी में मिला देने वाले कौन होते हो। बड़ा गुस्सा आया, मगर वो बड़े साहब आदमी थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, वो जरा यूं ही रह गया, चुप रह गया, अपने मन में तो बड़ा गुस्सा आया। जटाशंकर ने देखा कि यह व्यक्ति चुप हो गया, क्या मेरे सामने बात करेगा। उसने फिर पूछा कि तुम्हें पता है उपग्रह कैसे बनते हैं, तुम्हें पता है कि टेलीविजन का निर्माण किसने किया, तुम्हें पता है कि ये वीडियो वगैरह किस प्रकार से चलते हैं, इस विज्ञान के बारे में तुम्हें कुछ पता है, जानकारियां हैं। उसने जवाब दिया कि भाई साहब आप क्यों व्यर्थ में मेरी मजाक करते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, गंवार आदमी हूँ, मैंने तो जरा भी कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा, कभी गया ही वहीं, पार्टी पेन भी मुझे हाथ में पकड़ना नहीं आता, अ आ ई मुझे नहीं आता और आप मुझसे ये बातें करते हैं।
जटाशंकर ने कहा कि तब तो तुम्हारी 25% और ज्यादा जिंदगी पानी के अंदर चली गई, तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ हो गया, तुमने ये भी नहीं जाना। जटाशंकर ने फिर पूछा, अपने भीतर के अहंकार को प्रदर्शन के रूप में उसने प्रस्तुत करना चाहा और उसने कहा कि तुमने और भी कोई बातें पढ़ी, तुमने राजनीति की किताबें पढ़ी, तुम्हें पता है कि किस देश को किसने खोजा, तुम्हें पता है कि अमेरिका की खोज किसने की, कुछ इतिहास वगैरह जाना। उसने मना किया कि बाबू साहब मैं तो कुछ भी नहीं जानता। उसने कहा कि तुम्हारी पौन जिंदगी पानी के अंदर चली गई। नाविक बड़ा दिल मिलाया, बड़ा गुस्सा आया और हुआ ये कि नाव डीप धार के अंदर चल रही थी, पानी में तूफान आ गया, नाव उलटने लगी। उस नाविक ने कहा कि बाबू साहब मुझे जरा एक ही सवाल करना है, आपने तो मुझसे 3 सवाल पूछ लिए कि आप इतिहास के बारे में जानते हैं, कि विज्ञान के बारे में जानते हैं, कि कला दर्शन के बारे में जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरी तो पौन जिंदगी पानी में गई, मगर मुझे तो एक ही सवाल पूछना है कि अब ये नाव डूबने वाली है, नाव पलटने वाली है, आपको तैरना आता है या नहीं। उसने जवाब दिया कि क्या तैरना, तैरना तो मैंने आज तक नहीं सीखा। उस नाविक ने कहा तब तो मेरी तो भले पौन जिंदगी पानी में गई, मगर आपकी तो पूरी जिंदगी पानी में अभी चली जाएगी। नाव उलट गई, वो तो तैर करके मर गया और मिस्टर जटाशंकर वहीं फापा मारने लग गया। ध्यान रहे, हम अपना जीवन किस प्रकार से गुजारते हैं, जिसे तैरना नहीं आया वो अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देता है, गंवा देता है। भले कितने भी बंगले इकट्ठे कर लिए जाएं, वैभव के अंबार लगा दिए जाएं, भले स्वयं को बाहरी उपस्थिति में, बाहरी समाज में बहुत प्रतिष्ठित कर दिया जाए, लेकिन जिसे तैरना नहीं आया, जिसने स्वयं की आत्मा को तैरना नहीं सिखाया, जिसने स्वयं की आत्मा को ऊपर उठाना नहीं जाना, निश्चित रूप से पूरा जीवन उसका व्यर्थ चला जाता है, पूरा जीवन यूं ही पानी में बह जाता है। हमारी सारी जिंदगी यूं की यूं गुजर रही, कभी हमने चिंतन किया अपने भीतर में, कभी सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके विचार किया कि चेतन तुझे करना क्या है, किस हेतु से तुम यहाँ पर आए हो और तुम किन पचड़ों में उलझ गए हो, या आने के बाद तुम्हें करना क्या चाहिए था और तुमने अपना सारा समय किन चीजों के लिए बिता रहे हो, गंवा रहे हो, कभी हमने चिंतन किया। यदि थोड़ा सा चिंतन ये हो जाए अपने भीतर में, चिंतन के इस प्रकार की किरणें भीतर में उतर जाए तो भीतर का अज्ञान का अंधकार पल भर में तिरोहित हो जाए। चिंतन की किरणों का भीतर में प्रवेश होते ही भीतर चेतना का नया आलोक प्रस्फुटित हो जाता है, भीतर नए प्रकाश की उष्माएं हमें मिलने लग जाती हैं, भीतर नया प्रकाश का आविर्भाव हो जाता है। हमें चिंतन करना है और स्वयं की आत्मा का ही लक्ष्य बनाना है। यदि वो लक्ष्य हमारा बन गया तो हमारी क्रियाएं फिर अपने आप उसी दिशा में गति करेगी और उसी लक्ष्य की प्रतिष्ठा के लिए आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज नया सूत्र देते हैं। आचार्य भगवंत फरमाते हैं कि व्यक्ति घर किस प्रकार बनाए, कैसे बनाए, कैसा हो और कैसे वातावरण में बनाए। हमने चिंतन किया कभी कि हम अपने घर का निर्माण, आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज वो कंक्रीट के इंजीनियर नहीं है, वो इसी प्रकार के चूने और सीमेंट के इंजीनियर नहीं है, आचार्य भगवंत तो स्वयं के आत्मा की बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं, आत्मा के महल के पहुंचे हुए इंजीनियर हैं। और यदि इंजीनियर के बताए हुए नक्शे के अनुसार हम यदि हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा महल स्थायी बनता है, मजबूत बनता है, टिकाऊ बनता है। आचार्य भगवंत के निर्देशन को स्वयं के जीवन में स्थान देना है। घर किस प्रकार बनाए, आचार्य भगवंत बिल्कुल संसार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गृहस्थ जीवन की बात कर रहे हैं, गृहस्थ के जीवन की जो बातें हैं, क्योंकि व्यक्ति तो संसार में ही जिएगा, हम भी जिएंगे तो संसार में ही जिएंगे, कोई संसार से बाहर तो जी नहीं सकते, संसार में ही रहना, उन्हीं गलियों में रहना, उन्हीं मकानों में रहना, उन्हीं सब चीजों में रहना। और साधुओं में और श्रावक में यही अंतर है। आचार्य भगवंत यहाँ पर श्रावकत्व की परिभाषा कर रहे, साधुत्व की नहीं। आचार्य भगवंत फरमा रहे कि श्रावक का घर कैसा हो, श्रावक और साधु में यही अंतर है और इसी कारण श्रावक को कहा गया सागानी और साधु के लिए शब्द दिया गया अणगार। अणगार साधु को आपने सुना ही होगा, अणगार शब्द का विवेचन, अणगार शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई घर नहीं, आधार शब्द का अर्थ होता है घर, जिसका कोई घर नहीं वो है अणगार और जिसका घर हो वह बनता है श्रावक। यदि उलट पुलट बन जाए, यदि साधुओं के भी घर बनने लग जाए तो निश्चित रूप से अणगारत्व की परिभाषा से वो बिल्कुल दूर बन जाते हैं। पता नहीं है सच्ची बात है या झूठी, लेकिन मैंने अखबार के अंदर या इसी प्रकार से एक श्रावक के मुंह से मैंने सुनी थी कि वृद्ध श्रावक एक गांव के अंदर रहता था और मुनि महाराज वहां पर पधार गए, बड़ा प्रभाव था उनका और वहां पर उपाश्रय बनने वाला था। वो मुनि महाराज उनके भीतर में उपाश्रय तो बन ही रहा था, वो जानते थे कि ये गांव तो मेरा भक्त है, मेरा अनुयायी है, मेरे संप्रदाय
मेरे गच और मेरी आमनाएं को स्वीकार करने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से ये उपाश्रय भी मेरे लिए बनेंगे। साधुओं के निमित्त आचार में स्पष्ट रूप से कहा गया कि साधुओं के निमित्त जो भी भवन बने उसमें साधुओं को रहना नहीं कल्पता। वर्तमान की तो परिभाषाएं बदल गई। अब भले हम ऊपर से नाम कुछ दूसरा रखते हैं, कुछ भवन रखते हैं, कुछ उपाश्रय रखते हैं, वो करते हैं, मगर मन में जानते हैं कि हम साधुओं के लिए इन सारे उपाश्रयों का, इन सारे भवनों का निर्माण करते हैं। लेकिन वहां तो हद हो गई कि वह मुनि तो वहां गए, चातुर्मास उनका वहीं था, किसी घर के अंदर था और उपाश्रय बन रहा था। उपाश्रय के प्रति उनमें बड़ा लगाव पैदा हो गया। सुबह से वे वहां पर पहुंच जाते, कारीगरों को निर्देश देते हैं कि यहाँ पर ये बनाओ, यहाँ पर ये कमरा होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह की बातें होनी चाहिए, ये यहाँ पर पाट लगना चाहिए, ये यहाँ पर आला वगैरह बनना चाहिए। सुबह से वहां पर जाते, कारीगरों को अपने निर्देशन में काम करवाते और शाम को वापस आते। श्रावकों ने विचार किया कि ये महाराज बड़े विचित्र हैं, ये इस तरह की क्रियाएं तो हमने आज तक नहीं देखी, महाराज को ये जरा भी कल्पना नहीं है। अरे संसार की बातों का तो आदेश उपदेश होना भी नहीं चाहिए, और यहाँ तो मुनि भगवंत तो स्वयं सुबह से शाम तक वहां पर खड़े रहते हैं। सारी बातें भूल गई गोत्री की और वापस वहां, और सारी बातें उनसे विस्मित हो गई। बस एक ही बात थी कि वो आश्रम बड़ा शानदार है, मैं यहाँ पर रहूंगा। एक तो श्रावकों की टोली ने जाकर के कहा भी कि गुरु महाराज विनय पूर्वक कहा, कोई क्रोध पूर्वक नहीं, विनय पूर्वक कहने के बाद में निवेदन किया कि गुरु महाराज ये आपको शोभा नहीं देता, आप पधारो वहां पर बिराजो, ये हमारा काम है, हम अपने आप करेंगे। उन श्रावकों से कहा गया, मुनि महाराज ने कहा, अरे तुम्हें क्या पता, अरे इस उपाश्रम में हमें रहना है कि तुम्हें रहना है, अरे तुम अपने बंगले बनाते हो, दो दो साल खड़े रह करके बनाते हो, यहाँ रसोई चाहिए, यहाँ पर वो चाहिए, यहाँ सीढ़ियां चाहिए, यहाँ वो चाहिए, तुम्हें वहां रहना है तो तुम उसका निर्देशन देते हो, अरे इन उपाश्रयों में हमें रहना है तो हमें पता कि कहाँ कैसा होना चाहिए, कमरा कहाँ पर होना चाहिए। सारी बातें बड़ी फैली। एक वृद्ध श्रावक, बड़ा पुराना, बड़ा श्रद्धालु और परम परमात्मा का अनुयायी वह श्रावक रहता था, तो वृद्ध श्रावक ने जब ये सारी बातें सुनी तो एक बार वो भी चला गया, वह देख रहा था, उन मुनि महाराज को देखा, ये सारे निर्देशन दे रहे थे कि यहाँ आला बनाओ, यहाँ नाली बनाओ, यहाँ पर वो करो, यहाँ पर वो करो। उस वृद्ध श्रावक ने निवेदन किया कि गुरु महाराज ये आपकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन बीचों बीच एक और आले का निर्माण किया जाए। उस मुनि ने कहा कि अरे आले का निर्माण? मुनि महाराज ने सोचा कि ये श्रावक भी बिल्कुल सच्चे श्रावक है, इन्होंने मुझे रोका नहीं, इन्होंने मुझे उपदेश देने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो और मेरी सहायता करनी शुरू की और कहा कि एक आला यहाँ पर भी बनाया जाए। पूछा कि आला किसके लिए, आले की यहाँ क्या जरूरत, अगर आला बन जाएगा यहाँ पर तो इसकी शोभा खत्म हो जाएगी, अरे बीचों बीच तो पाठ लगे, उपदेश का यहाँ पर आधार बने, यहाँ पर आले की क्या जरूरत। उस मुनि महाराज ने कहा कि आला जरूरी है और उस आले में 5 खूंटियां भी बना देना। मुनि महाराज ने कहा अरे भाई किसके लिए, जरा मुझे बताओ तो सही, ये 5 खूंटियां आपके 5 महाव्रतों को टांगने के लिए, यहाँ पर आप टांग दें और फिर चाहे जो करें, इन 5 महाव्रतों को आप यहाँ पर टांग दें और बाद में जो चाहे करें, फिर आप मकान बनाएं, भवन बनाएं, उपाश्रय बनाएं, नाली नाले बनाएं, जो भी बनाना हो बनाएं। महाराज की आंखें खुल गई, महाराज के भीतर में जागृति का संदेश जाग उठा और उन्होंने विचार किया कि ओहो बड़ी सुंदर बात कही, मेरे भीतर को जगाने के लिए एकदम तीखी बात कही, तीर जैसी बात कही, लेकिन उसके ऊपर नम्रता का मुलम्मा चढ़ा था, उसके ऊपर नम्रता का लेप चढ़ा था। नम्रता के लेप में, निवेदन के लेप में यदि तीर जैसी बात भी कही जाए तो बिल्कुल सीधा असर करती है। मुनि महाराज ने कहा कि श्रावक जी आपने मुझे चेताया, मेरी बड़ी भूल हुई, यह काम मेरा नहीं है, मेरा काम महाव्रतों की सुरक्षा करना है, उसे खुटी पर दांग देना नहीं, उसके लिए मुझे आला नहीं बनाना, उसके लिए मुझे उपाश्रय नहीं बनाना। वो चले गए वहां से। साधु और श्रावक में यही अंतर है, श्रावक उसे कहते हैं जिसका घर हो और साधु उसे कहते हैं जिसका कोई घर न हो। जो मिला जैसा मिला, ठहरने के लिए रुकने के लिए जैसा मिला, दुनिया को उपदेश देते हैं कि हम एक तरह के यात्री हैं, ये सारी सराय हैं, हम दुनिया को उपदेश देते हैं और खुद के लिए विचार नहीं करते कि जहाँ हम बैठे हैं वो भी तो सराय है, वो भी तो उसे भी तो एक न एक दिन छोड़ना है। अरे जब शरीर भी सराय है तो ये इतना लंबा चौड़ा भवन जो हमारा बनने वाला नहीं, हमारा रहने वाला नहीं, हमारे पास जिसका नित्य निरंतर संपर्क नहीं, उसके प्रति अपनत्व के भाव हमारे भीतर में कैसे आ सकते हैं, किस कारण से आ सकते हैं। साधु उसे कहें जिसका घर नहीं होता, न मन में न बाहर। केवल ऐसा नहीं कि बाहर में जिसका घर नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि भले
उसके ऊपर छाप संघ की लगी हो और भवन का बाह्य मालिक कोई व्यक्ति हो, लेकिन व्यक्ति के मन में यदि उस भवन के प्रति, उस मकान के प्रति, उस उपासरे के प्रति, धर्मशाला के प्रति, कमरे के प्रति ममत्व आ गया तो भी अंगारत्व की भावना से दूर हो जाता है, तो भी वह साधारी बन जाता है। न तो साधु के मन में मकान चाहिए, भवन चाहिए और न बाहर चाहिए, और लेकिन श्रावक श्रावक साधारी कहलाता है, उसके पास में घर भी चाहिए। आचार्य भगवंत श्रावकत्व की दृष्टि से बात करते हैं कि श्रावक का घर किस प्रकार से हो, श्रावक कैसे स्थान में, किस प्रकार के वातावरण में अपना घर बनाए। चंद्र ध्यान रहे, घर बनाने का उद्देश्य इस कारण से दे रहे क्योंकि व्यक्ति का घर जहाँ होगा, आसपास का जो भी वातावरण है, आसपास के व्यक्ति कैसे हैं, वो उस परिवार को प्रभावित करेंगे। घर के बच्चों में संस्कारित वो बने या असंस्कारित बनते हैं, उसका सारा दारोमदार पूरे वातावरण पर निर्भर करता है। और इसी कारण आचार्य भगवंत सावधान करते हुए कहते हैं, व्यक्ति अपना घर ऐसे स्थान में बनाए जहाँ पर आसपास का जो वातावरण है, आसपास के पड़ोस के जो लोग हैं, वो एकदम से संस्कारी हो। हम पड़ोस की ओर ध्यान नहीं देते, हम आजू बाजू का ख्याल नहीं रखते। वर्तमान की संस्कृति, जिसमें फ्लैट संस्कृति कहा जाता है, फ्लैट संस्कृति में पता तक नहीं चलता कि हमारे ऊपर रहने वाला कौन है और हमारे नीचे रहने वाला कौन है। न नाम धाम का पता, न जाति कुल का पता, कुछ भी पता नहीं चलता कि कौन रहता है, क्या करता है। वर्तमान की लाइफ इतनी बिजी बन गई कि आसपास का भी कोई ख्याल नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत धर्म की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से हमें सावधान करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति घर बनाने से पहले आसपास का वातावरण देखें। बंबई के अंदर आपको पता है, बंबई के अंदर जब कॉलोनियां बनती हैं और कोई जैन कॉलोनी बनती हो तो वहां पर यदि मंदिर अगर न बनाया जाए तो वो फ्लैट दिखते तक नहीं, वो कॉलोनी नहीं बनती। लेकिन यदि वहां पर मंदिर है तो तुरंत उस जमीन के भाव बढ़ जाए, उस बंगले के भाव बढ़ जाए, क्योंकि व्यक्ति देखता है कि मैं जहां रहूं आसपास मंदिर चाहिए, आसपास उपासरे चाहिए, आसपास गुरु महाराज का सत्संग चाहिए, ताकि कम से कम मेरे ऊपर मेरी बिजी लाइफ में थोड़ा सा समय तो मैं मंदिर के लिए निकाल सकूं, थोड़ा सा समय तो सत्संग के लिए निकाल सकूं, मेरे बच्चे तो कम से कम संस्कारित बने। यह दृष्टिकोण आचार्य भगवंत का है और इसी दृष्टिकोण से आचार्य भगवंत कहते हैं कि आसपास का वातावरण विशुद्ध होना चाहिए, पड़ोस पड़ोस व्यवस्थित होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका घर ऐसे वातावरण में होने पर भी संस्कारित बनेगा। अड़ोस पड़ोस की जो बातें हैं, जो संस्कार हैं, वो हमारे भीतर में प्रवेश करेंगे और हमारे जीवन की गाड़ी वही आत्मा के लक्ष्य की ओर ले जाएगी। आचार्य भगवंत भले घर की बात करें, संसार की बात करें, मगर मूल लक्ष्य उनका यही है कि गृहस्थ जीवन इन सूत्रों के द्वारा अपने भीतर की यात्रा करे, यही उनका मूल लक्ष्य है। और इस मूल लक्ष्य को दृष्टिगत रख करके हम जो भी क्रियाएं करेंगे, निश्चित रूप से हमारी क्रियाओं में विवेक का प्रभाव होगा, उन क्रियाओं में संस्कारों की भूमिका होगी और वही भूमिका हमें भीतर जाने को उद्वेलित और आंदोलित करेगी। हमें भीतर की यात्रा करनी है और उसके लिए आचार्य भगवंत के इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारना है। आज